आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है, मीन्स हमें इंडेक्स नंबर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आंसर है, हमें निम्नलिखित कारणों से सूचकांक की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट, सूचकांक जटिल तथ्यों को सरल बना देते हैं ताकि वे आसानी से लोगों की समझ में आ जाए। सेकंड पॉइंट, सूचकांक से परिवर्तनों की तुलना करने में सहायता प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट, सूचकांक आर्थिक नीतियों के निर्माण में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। सरकार सूचकांकों की सहायता से ही अपनी मौद्रिक तथा कर नीति निर्धारण करती है। सेकंड क्वेश्चन है, आधार अवधि के वांछित गुण क्या होते हैं। आंसर, आधार अवधि के वांछित गुण निम्नलिखित हैं। ए, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। आधार वर्ष युद्ध, भूचाल, बाढ़, अकाल आदि असामान्य घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट है, आधार वर्ष प्रचलित वर्ष के समीप होना चाहिए। आधार वर्ष बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। सी, आधार वर्ष ना तो बहुत लंबा ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है, कीमत सूचकांक तथा मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है। कीमत सूचकांक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित है और दो समय विधि में हुए कीमतों में परिवर्तनों को मापता है। इसके विपरीत मात्रा सूचकांक वस्तुओं की मात्राओं से संबंधित है और दो समय विधि में हुए वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, उपभोग आदि में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सूचकांकों की कोई तीन विशेषता बताइए। आंसर, सूचकांकों की विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट, सूचकांक समूह के सापेक्ष परिवर्तन का माप करता है। सेकंड पॉइंट है, सूचकांक परिवर्तनों की दिशा को औसत के रूप में प्रकट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, सूचकांक चालू वर्ष की आधार वर्ष से तुलना करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सूचकांक की सीमाएं क्या हैं, जिसमें आंसर है, सूचकांक की सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, सूचकांक प्रति 10 आंकड़ों पर आधारित होते हैं और इसलिए इनके परिणाम पूर्ण रूप से स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सेकंड पॉइंट है, सूचकांकों का निर्माण उसके निर्माणकर्ता के विवेक पर निर्भर होता है। आधार वर्ष का चुनाव, वस्तुओं का चुनाव, भारांकन विधि का चुनाव आदि में विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न निर्णय हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, सूचकांक सामान्यतः एक चर के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है, सूचकांकों के निर्माण की कोई ऐसी विधि नहीं है जो सभी को स्वीकार्य हो। फिफ्थ पॉइंट है, सूचकांक से वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता है क्योंकि सूचकांक केवल संकेतक का कार्य करते हैं। सिक्स पॉइंट है, सूचकांक किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु होते हैं, इसलिए इनका किसी और उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।